गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 के 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6 क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, यानी 44 को ऐसे दो प्राइम नंबर लेने हैं जिनका सम, और वो प्राइम नंबर ऑड होने चाहिए और जिसका सम 44 आए। इसके दो तीन पेयर मिल सकते हैं आपको। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है ऑड वाला, वो है 3, क्योंकि 2 जो होता है इवन प्राइम होता है, तो वो हम नहीं लेंगे। तो 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि 44 आए, तो उसके लिए 41 ऐड करेंगे, तो पहला पेयर बन जाता है 3 और प्लस 41 का। ऐसे आप और भी पेयर बना सकते हैं, जैसे अगर आप 5 अगर लेते हैं, तो 5 में नेक्स्ट नंबर जो आपको लेना होगा 39, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो वो नहीं लेंगे हम। इसका हम ले सकते हैं 7। 7 में हम क्या ऐड करेंगे, 7 में अगर हम 37 ऐड करते हैं, तो वो 44 होता है टोटल, और ये दोनों प्राइम नंबर है। आप ये पेयर भी लिख सकते हो और ये पेयर भी लिख सकते हो, दोनों पेयर लिख सकते हो। 44 का दो ओड प्राइम का सम होना चाहिए, तो एक तो 3 हो गया तो दूसरा 41 होगा। और 5 से पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 5 लेने पे 39 लेना पड़ेगा, जो कि प्राइम नहीं होगा। 7 से जो पेयर बनेगा 37 का बनेगा। इसी तरह से 36 के लिए जो आपको पेयर लेना है, अगर आप 3 लेते हैं, तो 3 से आपका जो पेयर बनता है वो 33 का बनता है, और 33 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 3 से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम अगर 5 से स्टार्ट करते हैं, तो 5 प्लस 31 का एक पेयर बनता है, और ये दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं, तो एक पेयर ये हो गया। इसके अलावा अगर हम 7 लेते हैं, तो 7 के साथ भी हम कर सकते हैं, 7 प्लस 29, और ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 7 और 29 का प्लस अगर आप करेंगे तो 36 आता है। तो दो दो पेयर मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें से। तीसरा नंबर है 27, इसमें भी 24, इसमें भी 3 के साथ 21 आएगा, तो वो पेयर नहीं होगा, तो हम 5 वाला पेयर बनाएंगे। 5 के साथ हम ले सकते हैं 19, 5 प्लस 19 27 होता है, 24 होता है। 5 में अगर हम 19 प्लस करते हैं, तो दोनों ही प्राइम नंबर है, तो एक पेयर ये बनेगा, और दूसरा अगर पेयर बनाना है तो हम 7 के साथ बना सकते हैं, 7 प्लस 17 भी 24 होता है, तो ये दोनों पेयर आप लिख सकते हैं। दूसरा है 18, लास्ट क्वेश्चन जो है 18, 18 के लिए आप 3 के पेयर से 15 बनाएंगे, तो वो नहीं होगा, क्योंकि 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 5 के साथ पेयर बनाएंगे, तो 5 के साथ 13 का पेयर बनता है, या फिर अगर आप 7 के साथ बनाना चाहें, तो 7 और 11 का पेयर बनता है। तो ये दोनों में से कोई भी पेयर आप बना सकते हैं, जो कि दो प्राइम का सम करने पे ये नंबर आता है, 11 प्लस 7 18 और 5 प्लस 13 18, और ये सब प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से बने हुए पेयर है ये, जो कि आपको करने थे। 5 प्लस 13 18 होगा, या फिर 7 प्लस 11 18 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, यू गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, यानी ऐसे 3 पेयर देने हैं जिसका डिफरेंस 2 का है। तो पहला अगर हम प्राइम नंबर देखें, तो 2 और 3 होता है, तो उनका डिफरेंस 2 का नहीं आता है, तो वो हम नहीं ले सकते। और नेक्स्ट अगर हम देखें, तो 3 एंड 5 का जो डिफरेंस है वो 2 है। फिर सेकंड पेयर हमारा होगा 5 एंड 7, इसका डिफरेंस भी 2 का आता है। और थर्ड पेयर होगा, 7 और 11 नहीं ले सकते, लेकिन 11 एंड 13 ले सकते हैं, तो ये हमारा पेयर ऐसा है जिसका कि डिफरेंस 2 आता है। तो ऐसे पेयर, ऐसे प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 आया, 3 4 5, 5 6 7, 11 12 13, दो दो का गैप है बीच में, तो ऐसे पेयर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम। ये जो कहलाते हैं वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं, जिसमें दो प्राइम नंबर के बीच का गैप 2 हो, बीच का डिफरेंस 2 होता है। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, 17 एंड 19, आगे से आगे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं वो आपको बताना है। तो इसके लिए 23 पहला नंबर है। 23 अगर आपने लिस्ट में देखा होगा, हमने पहले किया था, 23 के खाली दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 23, और किसी टेबल में ये नहीं आता है, तो ये प्राइम नंबर है, जिसके दो ही फैक्टर होंगे वो प्राइम होगा। फिर नेक्स्ट जो है 37 भी 1 और 37 में ही आता है और कहीं नहीं आता है, तो 1 और 37 भी दो ही फैक्टर हुए, तो ये प्राइम नंबर हुआ। नेक्स्ट जो नंबर है 51 अगर आप देखेंगे, तो 1 में आएगा, 2 में नहीं आएगा, लेकिन 3 में आएगा, क्योंकि टोटल 6 होता है, तो 6 यानी 3 के टेबल में आता है, तो 51 भी 3 में आएगा। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे, इसके अलावा है 17, क्योंकि 17 3 जा 51 होता है, और नेक्स्ट है 51, तो 1 3 17 51, टोटल 4
फैक्टर्स हुए, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नॉट अ प्राइम नंबर। और नेक्स्ट जो है 26, उसके भी चार होते हैं, 1, 2, 13 और 26। पेयर्स चेक कर लेते हैं, 13 2 जा 26, तो 26 1 जा 26, तो इसके भी मोर देन टू फैक्टर्स हुए, तो ये भी नॉट अ प्राइम नंबर। तो दो ही प्राइम नंबर थे, 23 और 37। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। यानी 1 to 100 के बीच में ऐसे कंटिन्यूस 7 कंपोजिट नंबर लेने हैं जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए। तो ऐसी एक ही जगह है जहाँ पे 7 कंटिन्यूस कंपोजिट नंबर आते हैं, उन्होंने तो हर जगह पे 3-4 नंबर के बाद प्राइम नंबर आ जाता है, तो वो मैं आपको टेबल में दिखाती हूँ। ये जो टेबल हमने सीखा है पहले, उसमें अगर आप देखेंगे तो हर एक एक दो दो नंबर के बाद 4-4 नंबर के बाद आ रहा है, लेकिन एक ही ऐसी प्लेस है 90 to 100 के बीच में जहाँ पे 7 कंसेक्यूटिव नंबर आते हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 7 यहीं पे आते हैं, क्योंकि यहाँ भी आप देखेंगे तो 5 ही हैं, फिर उसके बाद यहाँ भी आप देखेंगे तो 5 हैं, लेकिन 7 एक ही जगह पे है 90 से लेके 96 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 90 से 96 तक अगर आप नंबर लिखेंगे तो वो कंटिन्यूस कंपोजिट नंबर होंगे 7। तो इसका आंसर होगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, क्योंकि 97 जो होता है वो कंपोजिट है और इसके पहले वाला 89 भी कंपोजिट है। तो ये 7 नंबर हमने लिख लिए कंटिन्यूस नंबर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 odd primes। जैसे पहले हमने ये 2 odd primes के सम के रूप में लिखा था, अब आपको 3 odd primes के सम के रूप में लिखना है। तो ऑड नंबर हमारा 21 का स्टार्ट होता है 3 से, तो पहला नंबर हम ले लेंगे 3। दूसरा अगर हम 5 लेते हैं तो 5 + 3 = 8 हो जाता है। 8 में हम क्या ऐड करेंगे, ये 21 बन जाए तो 13 ऐड कर सकते हैं। तो हम 3 + 5 + 7 से तो नहीं होगा, क्योंकि 8 और 7 अगर यहाँ हम 7 रखते हैं तो वो 15 होगा, फिर 11 रखते हैं तो भी नहीं होगा, 19 होगा, तो हमको 13 रखना पड़ेगा। तो 3 + 5 + 13, तो 8 + 13 21 आ जाएगा। नेक्स्ट जो 31 है, 31 के लिए भी ऐसे ही करेंगे। 31 के लिए हम पहला नंबर हम 3 लेते हैं, दूसरा 5 लेते हैं, तो 3 + 5 = 8 हो गया। 8 में हम क्या ऐड करें, तो 23 अगर हम ऐड करते हैं तो 31 हो जाता है। तो ये हमारे तीनों प्राइम नंबर है, ये भी तीनों प्राइम नंबर है, तो 3 primes का सम 31 आया। अब 53 क्योंकि बड़ा नंबर है, तो 3 और 5 लेने से या 7 और 9 लेने से काम नहीं चलेगा, हमको बड़े बड़े नंबर लेने पड़ेंगे। अगर हम 11, 13 और 17 लेते हैं तो हमारा सम 53 नहीं आएगा, और 19 लेने से भी नहीं आएगा, तो हमको बहुत ही ध्यान से लेना पड़ेगा। 13 + 17 ये दोनों का सम किया तो 30 आता है, और प्लस 23 करेंगे तो 53 आता है। 13, 17 + 23, 7, 3, 10 और 3, 13, कैरी 1, 3, 4, 5, 53 आ जाएगा। 13, 17 और 23 से हमारा 53 नंबर आ जाएगा। ये पेयर्स आपको खुद सोचने हैं। अब इसमें 61 और भी बड़ा नंबर है, तो हम 7 ले लेते हैं। तो 7, 3, 5 लेंगे तो पेयर नहीं बनेंगे, आप लेके देखिएगा। 7 में अगर हम क्या ऐड करें और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं, तो 20 हो जाता है। 7 + 13 = 20, 20 में 41 ऐड करने से 61 आ जाता है। तो ये इसका पेयर बनेगा 7 + 13 + 41, तो 61 का पेयर हुआ। ये पेयर वही लेने हैं जो कि प्राइम हो। आप चाहें तो दूसरे पेयर लेके भी बना सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। 3 pairs ये आपको हमने बता दिए। फिर नेक्स्ट है, राइट 5 pairs ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 वेयर सम इज डिविजिबल बाई 5। हमको ऐसे 5 pairs of prime number लेने हैं जिसका सम अगर हम करें तो 5 से डिविजिबल होता है, और वो लेस देन 20 होना चाहिए। तो हमको ऐसे सम लेने पड़ेंगे जिसका कि सम करने पे, दो प्राइम का सम करने पे 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से आए, ताकि वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो पहला पेयर हम लिख सकते हैं 2 + 3, 2 + 3 का टोटल आता है 5, 5 को डिवाइड करें 5 से तो 1 आता है, तो ये 5 से डिविजिबल है। फिर दूसरा पेयर हम ले सकते हैं 3 + 7, इसका सम करने पे 10 आता है, 10 को 5 से डिवाइड करें तो वो डिवाइड होता है। ऐसे पेयर लेने हैं जो 5, जिसका सम 5 से डिविजिबल हो। हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका सम या तो 5, 10, 15 इस तरह से आए। तीसरा पेयर हमको लेना है, तो हम तीसरा पेयर ले सकते हैं 2 + 13, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है,
तो इससे 15 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड हम कर सकते हैं। चौथा पेयर हम ऐसा लेंगे जो कि 20 बनाए, तो 20 के लिए हम 7 प्लस 13 ले सकते हैं। तो 7 प्लस 13 का सम आता है 20, 20 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 4 आएगा। और लास्ट पेयर लेना है तो हमको सम 25 लेना पड़ेगा, तो 25 के लिए हम आगे 20 का भी पेयर बना सकते हैं या 25 या 30 का भी पेयर बना सकते हैं। कंटिन्यूटी में लिया है तो एक हम अलग भी ले सकते हैं, जैसे 11 प्लस 19 करो तो 30 आता है, और 30 डिवाइड बाई 5 होता है 5 6 30। ये हमने चेक किया है, तो पेयर्स हमारे ये होंगे 2 प्लस 3, इसका सम डिविजिबल बाई 5 है, 3 प्लस 7, ये सारे प्राइम नंबर्स है, इसका सम डिविजिबल बाई 5 है, 2 प्लस 13 का सम भी डिविजिबल बाई 5 है, 7 प्लस 13 का सम 20 आता है वो भी डिविजिबल बाई 5 है, और 11 प्लस 19 का सम 30 आता है वो भी डिविजिबल बाई 5 है। तो हमको ऐसे पेयर्स लेने थे, 20 से छोटे ही लेने थे तो 20 से बड़े नहीं लेंगे, और जो डिविजिबल बाई 5 हो वही लेना था, तो हमने 19 पे स्टॉप कर दिया, 20 से बड़ा हम नहीं लेंगे। एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स, वो आपको अपने आप होमवर्क में करना है, क्योंकि मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कि टू फैक्टर्स वाले नंबर क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स वाले को क्या कहते हैं, वन क्या कहलाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या है, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है। तो ये सब कुछ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ तक आपको काम कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो गई है, जो कि आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू।